नमस्कार, स्वागत है आपका सीबीएसई गुरु यूट्यूब चैनल पे। मैं शुभम सर हूँ, स्वागत करता हूँ आपका सीबीएसई गुरु यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप जानते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन आज करना है। उससे पहले मैंने स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के बारे में बताया था अच्छी तरीके से। तो जैसे बताया था मैंने कि प्रिज्म से कोई भी चीज़ अगर पास होती है, क्या बताया था कि कोई भी चीज़ अगर प्रिज्म से पास होती है तो वो जो है जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास होती है तो डिफरेंट लाइंस में जो है वो बट जाती है, डिफरेंट लाइंस में इस तरह के बट जाती है कि विब ग्योर बनता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह से लाइन में बट जाती है, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ये सारी प्रोसेस है, अगर यही चीज़ गैसियस मीडियम में हो, ये तो किसमें थी, एयर मीडियम, ये थी मेरी एयर मीडियम। यही सारी चीज़ अगर मेरी गैसेस मीडियम में होती है, लेट सपोज यहाँ हाइड्रोजन गैस ही रहते हैं, तो सिर्फ हाइड्रोजन का स्टडी करें तो हाइड्रोजन गैस लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मीडियम हम लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वहाँ पे हमने क्या बताया था, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिल रहा था, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इन द केस कि मेरा जैसे वायलेट है तो इंडिगो के एकदम सटा हुआ है, इंडिगो ब्लू के सटा हुआ है, ब्लू ग्रीन के सटा हुआ है, इस तरीके से मेरा रे मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालेंगे इन द मीडियम ऑफ हाइड्रोजन गैस H2 गैस, तो ये भी विजिबल रे, आपको विजिबल क्या, ये आपका रे में डिफरेंट होगा, मतलब कि अलग अलग इस तरीके से अलग कलर से बनाते हैं तो आई थिंक ज़्यादा समझ में आएगा आपका जो है अलग अलग, फिर से ग्रीन ही आ गया, अलग अलग जो है रे में आपका आ जाएगा, डिफरेंट सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। वहां पे लाइट कहते हैं तो लाइट स्पेक्ट्रम कहते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये डिफाइंड टूट जाता है। लेकिन चेंज क्या है, जब एयर में था तो जो टूटता था, जो जो डिस्पर्स होता था, जो आता था, वो सारी क्या होती थी, विजिबल रे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इंफ्रारेड रे भी आएगी, विजिबल रे भी आएगी, अल्ट्रावायलेट रेस भी आएगी, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रम के टेबल में जो मैंने बताया था पहले वीडियो में, तो उस तरह की इसमें चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो इसमें मुख्यतः हम पाँच चीज़ों की बात करेंगे, पाँच रे की, वो मैं बाद में बताऊंगा, सबसे पहले बताऊंगा कि होता क्या है, ठीक है। इसमें डिवाइड कर जाती है आपका चार से पाँच, या जितने भी लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम में डिवाइड कर जाती है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब डिवीजन हो जाता है तो डिफरेंट तरह के रे आते हैं, इंफ्रारेड आते हैं, आपका विजिबल रे आते हैं, आपका अल्ट्रावायलेट रेस आते हैं, इस तरह के रेज आते हैं, इसको लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये सारी चीज़ें क्या बोली जाती हैं, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। अब इसमें एक चीज़ डिफाइन की जाती है जिसको वेव नंबर बोलते हैं। वेव नंबर कैसे डिफाइन की जाती है, अब वेव नंबर ऑफ द विजिबल रे, वेव नंबर ऑफ द विजिबल रे, ठीक है, इन सब में एक रे सिर्फ विजिबल होती है, ठीक है, जिसको बेल्बर सीरीज कहते हैं, ठीक है। तो सर वो चीज़ बताने से पहले आई थिंक कि मेरे को बता देना चाहिए कि हाइड इसमें जो मुख्यतः हम पांच रे की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे टेबल बना देते हैं, दिख लीजिएगा, n=1, n=2, या वो टेबल अभी छोड़िए, बाद में बताएंगे, अभी बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, पहले वेव नंबर पढ़ लेते हैं, ठीक है। वेव नंबर क्या है, वेव नंबर को वी बार से डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने बताया था वी बार से डिफाइन करते हैं, और ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। क्या है ये वेव नंबर, 109.677 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, ये माइनस वन है, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, और सेंटीमीटर इनवर्स है इस तरीके से, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा वेव नंबर का होता है, और ये किसके लिए होता है, फॉर विजिबल रे, और इसमें जो विजिबल रे होता है वो बाल्मर सीरीज है, आपको और भी बताऊंगा सीरीज क्या क्या है, ये बाल्मर सीरीज आप याद रखिएगा, बाल्मर सीरीज है, और ये फॉर्मूला जो वेव नंबर है बाल्मर सीरीज का है, ठीक है, और जो बाल्मर सीरीज है ये यही होती है 109.677, इसमें फॉर्मूला आप याद रखिएगा, जहाँ पे एन की वैल्यू क्या होती है, एन की वैल्यू 3, 4, 5, एन की वैल्यू हमेशा 3 से ज़्यादा ही होगी, एन की वैल्यू क्या होगी, 3 से ऑलवेज ज़्यादा होगी, ये आप लोग याद रख लीजिएगा, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि एन की वैल्यू यहाँ पे 3 से ज़्यादा होने वाली, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो हम यहाँ पे जो जनरल सीरीज के लिए बात, ये तो सिर्फ विजिबल रे के लिए है, और भी ऐसे रे आते हैं जैसे इंफ्रारेड है, आपका अल्ट्रावायलेट रेस है, उसके लिए क्या सीरीज होगी, उसके लिए भी हम लिखते हैं क्या सीरीज है। ये किसने डिफाइन किया था, ये आपका किसने डिफाइन किया था, ये जो सारी चीज़ आप पढ़ रहे हैं ये साइंटिस्ट है बाल्मर, इनके नाम पे ही बाल्मर सीरीज पड़ी, बाल्मर साइंटिस्ट है,
इन्होंने ही ये सारी चीज़ें डिफाइन कर डाली हैं, ठीक है। इन्होंने सारी चीज़ें डिफाइन किया पाल्मर सीरीज, और यहाँ इनके नाम पे ही पाल्मर सीरीज पढ़ा है कि अपने नाम से विजिबल रे, इनके नाम से विजिबल रे जो एक आता है एन बराबर टू पे आता है, वो विजिबल रे इनके नाम पर ही पड़ा है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं कि जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या हम देख सकते हैं, चलिए देखते हैं। अब जो पाल्मर सर के बाद आए रेडबर्ग सर, ये स्वीडिश, ये आपके क्या थे, स्वीडिश आप जानते ही हैं, स्वीडिश क्या थे, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट यानी मतलब पहले पता है कि लाइट के एब्जॉर्प्शन और आपका एमिशन से रिलेटेड स्टडी करते हैं, ठीक है। ये वो थे और इन्होंने जनरल फार्मूला बता दिया वेव नंबर का, उन्होंने जनरल फार्मूला बताया, जनरल फार्मूला वेव नंबर क्या बताया, 109.677 इंटू 1 बाई एन 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई एन 2 स्क्वायर, ठीक है। ये उन्होंने बताया, और उन्होंने क्या बताया, एन 1 की वैल्यू आप 1, 2, 3 जो भी रखना चाहे वो रख सकते हैं, एन 2 की वैल्यू आपको रखना पड़ेगा एन 1 प्लस 1, एन 1 प्लस 2, एन 1 प्लस 3, इस तरीके से चलता रहेगा। इन द केस कि जैसे मान लीजिए कि एन 1 की वैल्यू 1 है, तो एन 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इफ एन 1 इक्वल टू 1 तो एन 2 क्या हो जाएगा, एन 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, एन 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3, एन 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4, इस तरह चलते रहेगा। इसी तरह एन 1 की वैल्यू 2 होगी तो 3, 4, 5, एन 1 की वैल्यू 3 होगी 4, 5, 6, इस तरीके से चलता रहेगा। इस तरीके से ये फॉर्मूला है जो जनरल सीरीज के लिए है, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रा वायलेट, माइक्रोवेव, जो भी वेव आए उस सबके लिए फॉर्मूला सबसे बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। एन 1 क्या है आपका 1, 2, 3, एन 2 क्या है एन 1 प्लस 1, एन 2 प्लस 1, एन 1 प्लस 1, एन 1 प्लस 2, एन 1 प्लस 3, इस तरीके से चलता जाता है, ठीक है। अब आगे बताते हैं, एक चीज़ बताना मैं कॉन्सेप्ट भूल गया था, ये फॉर्मूला तो पढ़ लिया मैंने, ये कहा था कि भाई ये सारी जो प्रिज्म है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं इन द मीडियम ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, इन द मीडियम ऑफ हाइड्रोजन गैस मीडियम, इसमें भी जैसे पहले में रेड डिस्ट्रैक्ट होता था, इसमें भी डिस्ट्रैक्ट होगा इस तरह, लेकिन उसमें अंतर क्या होगा, उसमें जो इन एयर मीडियम होता था, इन जो एयर मीडियम होता था एयर में, इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आते थे ये था कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जैसे मैंने बताया एक दूसरे में मिले हुए होते थे, लेकिन इसमें क्या है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होगा, इसमें एक रे और दो रे के बीच में, पहला और दूसरा रे के बीच में एक ब्लैक डार्क स्पॉट आ जाएगा, कह सकते हैं ब्लैक गैप आ जाएगा, और इसको ब्लैक गैप से देखा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, एक तरह का ब्लैक गैप आ जाएगा, ठीक है। ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इन जैसे वायलेट है तो वायलेट और इंडिगो के बीच क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा, ठीक है। वैसे वायलेट इंडिगो तो है नहीं, नाम बताएंगे अभी हम, ठीक है। इतना ही कॉन्सेप्ट जानिए कि इस तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन गैस के अंदर क्या होता है कि जो भी मेरा डिस्पर्जन के बाद जो रे निकलती है वो एक दूसरे के बीच में गैप होता है ब्लैक का, उसमें कोई भी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होता है, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है जो कि रेडबर्ग द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, रेडबर्ग द्वारा, ठीक है। और ये रेडबर्ग ही थे स्वीडिश स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट, और इन्होंने क्या कहा, ये जो 109.677 सेंटीमीटर इनवर्स, इन्होंने कहा ये जो है रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, ये जो है रेडबर्ग कांस्टेंट, इन्होंने कहा ये मेरा जो है रेडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है। इतना इन्होंने कहा रेडबर्ग कांस्टेंट, और कहा कि भाई ये सारी चीज़ें, ये फाइनल फार्मूला इनका है जहाँ पे उन्होंने लाइट स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में पूरा अच्छी तरीके से डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहाँ तक तो मेरा लाइट स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन हुआ, जहाँ पे मैंने ये कहा कि भाई इन द मीडियम ऑफ द हाइड्रोजन किस तरीके से मेरा आपका जो है रे निकल रहा है, और किस तरीके से हम कंपेरिजन कर सकते हैं विद द मीडियम ऑफ द एयर, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब क्या, कि अलग अलग मीडियम में अलग अलग आपका बिहेव करता है, जैसे एयर में किस तरह किया, हाइड्रोजन गैस में हमने देखा किसी का किस तरह किया, वैसे अदर गैस में भी इस तरह करता है, लेकिन हमें अभी मेरा सिलेबस में क्या है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस है, इसलिए हमें यहाँ पे सिर्फ मेरा फोकस वनली एंड वनली ऑन हाइड्रोजन गैस है, ठीक है।
तो अब ये आई थिंक ये फॉर्मूला पढ़ लिए, पिछले वाला फॉर्मूला पढ़ लिए जो कि वेव नंबर के बारे में था, 109.677 इंटू 1/2 का स्क्वायर। हमने वहाँ पे 1/2 का स्क्वायर क्यों था, क्योंकि एनुअल वैल्यू वहाँ पे हमने 2 ले लिए थे, क्योंकि वो विजिबल रे के लिए था। वहाँ पे मैंने कहा विजिबल रे के लिए था, इसलिए वहाँ पे एनुअल वैल्यू 2 था। लेकिन जब हम जनरल फॉर्मूला की बात किए तो 109.677 इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर इनवर्स बढ़ेगा, सेंटीमीटर इनवर्स इसका यूनिट है, इसका है यूनिट, ठीक है, इतना आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए अब आगे बात करते हैं और वो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं कि कौन कौन सा लाइन स्पेक्ट्रम हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, कौन सा लाइन स्पेक्ट्रम हमें जानना जरूरी है, ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे रेडिएशन निकले हैं जब हम प्रिज्म से पास किए थे इन द मीडियम ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो कौन कौन से रेडिएशन निकले हैं, किस N1 पे, N1 इक्वल टू 1 पे क्या निकला है, N1 इक्वल टू 2 पे क्या निकला है, वो 5 N1 1 से लेकर N1 5 तक आपको जानने की जरूरत है या आप जानिएगा, ठीक है। चलिए हम टेबल बनाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। N1 इक्वल 1, N1 इक्वल 2, N1 इक्वल 3, N1 इक्वल 4, N1 इक्वल 5, इस हिसाब से N2 इक्वल 2, 3, 4, N2 इक्वल N1 प्लस 1, N1 प्लस 2, N1 प्लस 3, ठीक है। इसी तरह N2 इक्वल 3, 4, 5, N2 equal 4, 5, 6, N2 equal 5, 6, 7, और इस तरह यहाँ पे N2 equal 6, 7, 8, ठीक है। अब आगे आप सीरीज का नाम लिखा हूँ, कौन कौन सी सीरीज है ध्यान रखिएगा, ठीक है, लाइमन, पाल्मर, पेस्टन, ब्रैकेट, पिनफर्ड, ठीक है। अब ये सीरीज कौन कौन से रे निकालते हैं, मैं लिखता हूँ, आपका जो है निर्णय निकालते हैं, अल्ट्रा वायोलेट, पाल्मर सीरीज जैसे हम जानते हैं विजिबल, और ये तीनों इंफ्रारेड, ठीक है। इतना हमें पढ़ना है और इतना बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए पढ़ना है, तो ये सारी चीज आप नोट कर डालिएगा, जहां पे N1 इक्वल 1 पे, N2 इक्वल 2, 3, 4, N2 इक्वल 2, N1 प्लस 1, N1 प्लस 2, N1 प्लस 3, और लीमैन सीरीज, अल्ट्रा वायलेट रे, N1 बराबर 2 पे, N2 इक्वल 2, 3, 4, 5, पाल्मर सीरीज, विजिबल रे, N1 इक्वल 2, 3 पे, N2 इक्वल 4, 5, 6, पेस्टन सीरीज, इसी तरह N1 इक्वल 4 पे, N2 इक्वल 5, 6, 7, ब्रैकेट्स के लिए, इक्वल N1 इक्वल 5, N2 इक्वल 6, 7, 8, पीफंड, और ये तीनों क्या है, मेरा इंफ्रारेड है, ठीक है। यही लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन पढ़ना था। अब आगे जो है हम बोट मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इसलिए मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे लोगों को तक इतना ही वीडियो पहुँचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, तो ठीक है, अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।